आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं भेल स्टॉक के बारे में। पिछले लगभग 3 महीने का इस स्टॉक का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आप पाएंगे कि 20% के आसपास का गिरावट पिछले 3 महीने में इस स्टॉक के अंदर आते हुए दिखा है, लेकिन पिछले 1 वीक से जिस प्रकार से ये स्टॉक कंसोलिडेट होते हुए दिख रहा है तो 1-साइडेड अप ट्रेंड का पूरा संकेत इस स्टॉक में सिग्नल दिख रहा है। लगभग पिछले 1 वीक में इस स्टॉक ने 5% के आसपास का रिटर्न दिया है और इस स्टॉक को लेकर के एक ब्रेकिंग न्यूज मार्केट में ट्रेंड होते हुए दिख रही है। इस कंपनी ने 42वां न्यूक्लियर स्टीम जनरेटर जो है वो डिस्पैच किया है NPCIL को, जिसमें कि इंस्टॉलेशन होगा राजस्थान के अंदर एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट को लेकर के। और शायद आपको पता ही हो कि इंडिया मेक इन इंडिया में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो कंपनी है भेल, इसका काफ़ी योगदान रहा है। इसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट नहीं देखता है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए श्योरली ये स्टॉक आपको अच्छा रिटर्न देने वाला है। शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक के टारगेट और स्टॉप लॉस की बात करें तो 50 के आसपास का जो प्राइस है, इस स्टॉक का 20-डे मूविंग एवरेज भी है और कंटिन्यूस सपोर्ट रिस्पेक्ट होते हुए दिख रहा है। इस समय ये स्टॉक 52.50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो 48 के स्टॉप लॉस को लगा करके 68-70 तक के टारगेट के लिए इस स्टॉक में पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक बात याद रहना चाहिए कि ये पोजीशन विद इन 1 मंथ के लिए आसपास होगा, 1 मंथ के ज़्यादा का ही, 1 मंथ टू 1.5 मंथ की ड्यूरेशन के लिए लेना है। शॉर्ट टर्म के लिए श्योरली इस स्टॉक को अवॉइड करना।